हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में। चेलों को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, पर जो सवाल सबसे ज्यादा आता है वही है कि चेलों की मृत्यु कैसे हुई, या जिसे हम शहीद होना भी कहते हैं। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 12 प्रेरित जिन्हें प्रभु यीशु ने चुना, जिसका वर्णन बाइबल में आता है मत्ती 10:2-4 में, जहां इस प्रकार से लिखा है। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यहुन्ना, फिलिपुस और बर्तलुमे, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन का नानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। पतरस, योना का पुत्र शमौन जो पतरस कहलाता है, प्रभु ने इसे पतरस अर्थात चट्टान नाम दिया था और कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यह बात सच हुई। ईसवी सन 67 में सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ, अतः मुझे उल्टा लटकाया जाए। पतरस को रोम में वेटिकन में ताबोर नदी के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। अंद्रियास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब वह वही था। वहां घटी घटनाओं से प्रभावित होकर वह यीशु के पीछे हो लिया। इस तरह वह पहला प्रेरित बना। इसके बाद वह अपने भाई शमौन पतरस को भी उसके पास लाया और वह भी प्रेरित बन गया। अंद्रियास को यूनान में ईसवी सन 60 में एक आकार की क्रूस पर बांधकर मारा गया। उस पर पथराव भी किया गया, जहां 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। जब्दी का पुत्र याकूब यूहन्ना का बड़ा भाई था और जब्दी का पुत्र था। इसकी माता का नाम सलोमी था। यह भी मछुआरा था। इसकी माता क्रूसीकरण के बाद प्रभु यीशु की देह पर सुगंधित वस्तुएं लाने वाली महिलाओं में से थी। जेलों में शहीद होने वाला यह याकूब सबसे पहला था। यह यरूशलेम में प्रचार करता था। इसी दौरान रोमी सम्राट हेरोदेस अग्रिप्पा ने ईसवी सन 44 में इसे यरूशलेम के मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके तलवार से सिर काटकर कई फीट नीचे फिकवा दिया था। यह वही कंगूरा था जिस पर प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान ने ली थी। यूहन्ना जब्दी का पुत्र एवं मछुआरा था। यह चेलों में सबसे छोटा था और प्रभु यीशु का प्रिय भी था। प्रेरित याकूब इसका बड़ा भाई था। यूहन्ना पतरस के साथ रोम गया था। वहां उसके प्रचार से क्रोधित होकर उसे मारने के लिए खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया, पर वह आश्चर्यजनक तरीके से बच गया। इस स्थान पर आज एक चर्च बनाया गया है। एक मान्यता यह भी है कि रोम में ही यूहन्ना को जहर से भरा प्याला दिया गया था, पर जब यूहन्ना ने प्याला हाथ में लिया तो जहर गायब हो गया और प्याले में एक सांप दिखाई दिया। इसी यूहन्ना का प्रतीक चिन्ह भी प्याला और उसमें एक सांप बताया गया है। पद्मस टापू पर यूहन्ना को काले पानी की सजा दी गई, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा। पद्मस टापू से काले पानी की सजा से छोड़ देने के बाद लगभग 100 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। केवल इस ही प्रेरित की स्वाभाविक मृत्यु हुई। फिलिपुस गलील का निवासी था। अंद्रियास प्रभु का पहला चेला था, तो फिलिपुस को दूसरा चेला बनने का गौरव प्राप्त हुआ। फिलिपुस स्वर्गारोहण के बाद रूस गया। वहां 20 वर्ष तक प्रचार करने के बाद वह फ्रीगिया गया। वहां प्रचार का विरोध करने वालों ने ईसवी सन 80 में फिलिपुस को क्रूस से बांध दिया और उस पर पथराव भी किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बर्तलुमई, इसका नाम नतानियल
जिसे नथानियल भी कहा जाता है, बर्तलुमय गलील के काना नगर का निवासी था। बर्तलुमय का सुसमाचार मिला, जिसके अनुसार बर्तलुमय ने भारत में भी प्रचार किया। इसने मती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया, जिसे वह भारत लाया। एक मान्यता के अनुसार बारबूस राजा की आज्ञा से आर्मेनिया में ईसवी सन 71 में बर्तलुमय को जीवित चमड़ी उतार कर क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं मृत्यु हो गई। थोमा को दिदुमुस भी कहा जाता है। थोमा ने मध्य पूर्व में पहले प्रचार किया, फिर इडिशा से भारत आया। यहाँ वह ईसवी सन 49 में पहुंचा और बहुत प्रचार करके 7 चर्च स्थापित किए। थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया। थोमा ने उत्तर भारत, पंजाब और सिंध तक प्रचार किया। थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने ईसवी सन 52 में उसे मैलापुर की पहाड़ी पर भाले से मारा। थोमा के शव को इडिशा ले जाया गया, जहां उसे दफनाया और उस स्थान पर आज एक चर्च बनाया गया है। मती ने अनेक देशों में जमकर प्रचार किया। एलेक्जेंड्रा के क्लेमेंट के अनुसार मती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। एक लेखक का मानना है कि मती की शहादत नहीं हुई, पर अन्य लेखक मानते हैं कि शहादत इथियोपिया में हुई। अन्य प्रमाणों के अनुसार ईसवी सन 60 में प्रचार के दौरान मती को इथियोपिया में तलवार से मार डाला गया। याकूब प्रेरित मती का भाई और हलफई का पुत्र, गलील के कफरनहूम का निवासी था। इसकी माता का नाम मरियम था। बाइबल में इसका वर्णन बहुत कम है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि याकूब से दुश्मनी रखने वाले एल्विनस ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने याकूब को आमंत्रित किया कि वह यरूशलेम के कंगूरे पर प्रचार करे, ताकि सब लोग सुन सके। जब वह खड़ा हो गया, तब उससे कहा गया, क्रूस और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे। तब वह बोलने लगा। तब लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया, परंतु वह मरा नहीं। और उस पल लोगों ने उसे पथराव करके उसे मार डाला। याकूब पर एक मान्यता यह भी है कि हेरोदेस अंतियास के शासनकाल में ईसवी सन 54 में शहीद हुए। यहूदा थदेउस, इसका नाम मती में तदे आता है। इसका नाम सुसमाचार में शमोन के साथ आता है। माना जाता है कि यह दोनों अच्छे मित्र थे। यहूदा थदेउस आर्मेनिया के शहर में ईसवी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए। अरारत शहर में इसे तीरों से मारा गया। अरारत शहर पहले सीरिया में था, जिसके पहाड़ पर जल प्रलय के बाद नूह का जहाज रुका था। शमोन कनानी इसलिए कहते हैं कि शमोन पत्रस से अलग पहचान के लिए इसे कनानी कहते थे। माना जाता है कि जब यह प्रेरित बना, तब इसकी उम्र 40 रही होगी। यह ब्रिटेन भी गया, सभी स्थानों पर आश्चर्य कर्म भी किए और अनेक कष्ट भी सहे। यह मेसोपोटामिया भी गया है। मिस्र का कॉप्टिक चर्च मानता है कि पासिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए, इसे क्रूस पर टांग कर मारा गया। यहूदा इस्करियोती, यह वही यहूदा इस्करियोती है जिसने प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद इसे जब पछतावा हुआ, तब इसने जाकर 30 सिक्के मायाजक को दे दिए। पर जब मायाजक ने मना कर दिया, तो इसने यरूशलेम शहर के बाहर जाकर एक पेड़ पर फांसी लगा ली और मृत्यु हुई। दोस्तों, प्रेरितों की मृत्यु कैसे हुई, इससे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रेरितों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर इतना था कि वह एक क्रूर मौत को भी प्राप्त करने का साहस रखते थे। दोस्तों, ये वीडियो था 12 प्रेरितों के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।